विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और विपक्ष धान खरीदी किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में स्थगन प्रस्ताव लाने वाली है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसानों से वादा खिलाफी के विरोध में विपक्ष के तमाम विधायक काले कपड़े पहनकर सदन पहुंचे। धान खरीदी में गड़बड़ी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए बीजेपी जेसीसीजे और बसपा विधायक काले कपड़े पहनकर पहुंचे। विपक्ष ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन सदन ने अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री देवेंद्र कुमारी सिंहदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्पीकर डॉ. चरणदास महंत ने कहा है कि राज परिवार के साथ थी लेकिन उनकी सादगी मिलनसारिता अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके निधन से हम सब स्तब्ध हैं। उनका जाना खाली स्थान की तरह है जो कभी भरा नहीं जा सकता। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि राजनीति में उनकी सुचिता हमेशा याद की जाती रहेगी। किसानों और खासतौर पर गरीबों के प्रति उनके कार्य किए गए जो कार्य है वो हमेशा यादगार रहेंगे। विचार हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सिद्धेव परिवार के साथ लाखों परिवार उनसे जुड़े हुए थे, उनको दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में। हमने अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा विधायक और मंत्री रहे एक ममता महिमा के रूप में राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह जी को हमने खोया है। उनके मातृत्व की विशालता का प्रभाव हम सबके जीवन में सदा के लिए रहेगा। उनके निधन से जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो शून्यता आई है उसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। वो राजनीतिक जीवन में सुचिता के प्रतीक के रूप में युग में याद की जाएगी। उनका दीर्घकालीन राजनीतिक व सामाजिक जीवन हम सबको मार्गदर्शित करता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस बैठक में प्रदेश सरकार